नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में पूरे जिले में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य जिले के प्रत्येक जनपदों में कराए जा रहे हैं, जहां कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी KBS चौधरी के द्वारा नियमानुसार मनरेगा में कार्य करने के लिए पंचायतों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिल सके। कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान सरकार ने मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा योजना के तहत तेज गति दी है। जिले के हर जनपदों में मनरेगा योजना के तहत कार्य करवाया जा रहा है, ताकि श्रमिक मजदूरों को इस समय ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जा सके। वहीं जिले के कलेक्टर श्री चौधरी के दिए गए सख्त निर्देश के बावजूद भी पंचायतें मनमानी तरीके से कार्य करा रही हैं। कार्य पर बिना मास्क लगाए मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिसमें नाबालिग बच्चे भी मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर हो रहा है। पंचायतों में नाबालिग जिनके हाथ में इस उम्र में किताब होना चाहिए, उन्हें फावड़ा पकड़ा कर कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनरेगा कार्यों में JCB पूर्णतः वर्जित है, फिर भी JCB से कार्य कराया जाना समझ से परे है। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। वहीं मशीनों द्वारा काम कराया जा रहा है। यहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्रम विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के सरई तहसील अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में नाले और तालाबों की खुदाई का काम जॉब कार्ड धारकों से लिया जा रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत ग्राम पंचायत दूधमनिया में सरपंच सचिव द्वारा जॉब कार्ड धारकों के साथ साथ 13 से 17 वर्ष के बीच के नाबालिग बच्चों से भी मनरेगा के तहत काम ले रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तालाब निर्माण का काम JCB मशीन और ट्रैक्टर द्वारा कराया जा रहा है, जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की कलई खुलती है। ग्रामवासियों ने कराए जा रहे कार्यों की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? रघुराज साकेत। कहाँ कराने वाले हैं? दुधमनिया ग्राम पंचायत। आप पंचायत में कोई पदाधिकारी हैं? मैं वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर हैं। ये जो चीज यहाँ पे किस चीज का निर्माण कार्य चल रहा है? ये तालाब निर्माण है। कब से चल रहा है ये? फरवरी माह से चालू था, बीच में पानी बारिश होने के बाद बंद हो गया। जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, लोग बताए JCB भी काम हुआ। JCB कितने दिन लगी थी? JCB सर इसका खुदाई का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया सर। JCB ट्रैक्टर भी लगा हुआ है? ट्रैक्टर लगा हुआ है सर, मतलब दूर होने के नाते। आप अभी यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे कितने नाबालिग बच्चे हैं? नाबालिग बच्चे 6 हैं। 6 हैं जी। और आप कभी देखने आए हैं यहाँ वार्ड मेंबर है कि कितने नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं? नाबालिग बच्चे कल आया था, इनको मैं बताया था जो मतलब यहाँ है कि कौन है, इनका नाम बताइए, कौन किसकी ड्यूटी लगी है? एटी कम लाल यादव है जी। तो उनको क्या बोले थे आप? मैंने बोला था कि नाबालिग बच्चों के यहाँ मत आने दीजिए, तो बोले कि कोई चला जाता है उसके बदले में चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं आने दीजिएगा, नाबालिग बच्चे 18 वर्ष से आयु कम होने वाले बच्चों को नहीं काम पे लगाया। सरपंच सचिव आते हैं यहाँ? यहाँ आते हैं सर। अब देखते हैं कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं जी। देखते हुए भी कुछ नहीं करते सर भाई? आज सेक्रेटरी आए थे, सेक्रेटरी देखने के बाद भी इनको नहीं निकाले नाबालिग। अभी ये लोग रहे होंगे तभी तो इस टाइम आए हैं पुनः। आपका कहाँ कराने वाली हैं आप? दुनिया को कितने दिनों से काम कर रही हैं आप यहाँ? आज बस आई हैं। आपको यहाँ काम करने के लिए कौन भेजा है? कोई नहीं। सरपंच सेक्रेटरी आए थे यहाँ काम पे आज देखने? सरपंच सेक्रेटरी आए थे यहाँ? कितने बजे आए थे? तुम्हारी उम्र कितने साल के हो तुम? 14 साल की हो। क्या नाम है आपका? कविता। पूरा नाम बताइए। कहाँ कराने वाली हैं आप? कितने दिनों से यहाँ काम कर रही हैं? 5 दिनों से। आपको काम में कौन लगाया है? सरपंच सेक्रेटरी सचिव कौन लगाए हैं? सरपंच लगाए हैं। और सचिव कभी आते हैं देखरेख के लिए? कब आए थे सचिव?